अरे भाई कैसे दिए गोलगप्पे? 50 रुपए की प्लेट है। और एक प्लेट में कितने गोलगप्पे? 6 गोलगप्पे होंगे, और कितने? अरे बाप रे बाप, 50 के 6 गोलगप्पे, इतने महंगे? तभी सोचो तुम्हारी दुकान में भीड़ क्यों नहीं है। मुझे फालतू की भीड़ चाहिए भी नहीं। मेरे पास वही लोग गोलगप्पे खाने आते हैं जो इन्हें खाने के लायक हैं। और तुम लगता है यहाँ नए हो। दाम पूछने से पहले ऊपर लगा बोर्ड ही पढ़ लेते। दाम और नाम दोनों लिखे हैं। मेरा नाम मशहूर है और ये मेरे मशहूर गोलगप्पे हैं। एक एक गोलगप्पा इतना करारा है कि तोड़ो तो आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई दे। और पानी जैसा ग्राहक चाहे। पूरे 10 तरह की वैरायटी है मेरे पास पानी की। और ये देखो, ये है मेरे गोलगप्पों की असली जान, मेरा ये खास मसाला। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक है, पर फिर भी 50 रुपए वाकई बहुत ज्यादा है। दाम तो यही है और यही रहेगा। अब तुम देख लो कि तुम मेरे गोलगप्पे खाने के लायक हो या नहीं। अरे ये क्या बात हुई, तुम ऐसे बात करते हो अपने ग्राहक से? नहीं, ग्राहक से तो नहीं, पर जो फालतू मेरा वक्त बर्बाद करे उससे मैं ऐसे ही पेश आता हूँ। चलो अब आगे बढ़ो और कोई सस्ता गोलगप्पे का ठेला ढूंढो। मशहूर ऐसा ही था। ये बात तो 100% सच थी कि वो गोलगप्पे बहुत ही अच्छे बनाता था, लेकिन इस बात पर उसे घमंड भी बहुत था। मशहूर का मानना था कि उसके पास हुनर और किस्मत दोनों का साथ है, इसीलिए उसे पूरा यकीन था कि उसका काम कभी मंदा पड़ ही नहीं सकता। और वास्तव में ऐसा हो भी रहा था। मशहूर के पास भले ही ग्राहक कम थे, लेकिन उनसे ही वो अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। फिर कुछ दिनों के बाद, हाँ भाई लाओ जरा गोलगप्पे तो लगाना। अरे तुम फिर से आ गए, रेट कम नहीं होंगे, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं तुमसे कम करने को कह भी नहीं रहा हूँ। ऐसा करो, सिर्फ मुझे नहीं, इन सबको भी गोलगप्पे खिलाओ और इन सबके पैसे मैं दूंगा। हैं, पगला गए हो क्या? अब ऐसा करो, पहले पैसे रखो मेरे सामने, फिर बात करना। ए, तुम भी ना बड़े शक्की हो। ये लो, ये रखे तुम्हारे पैसे। इतना कहकर सूरज ने पूरे 2000 रुपए मशहूर के सामने रख दिए। सूरज अपने साथ जिन लोगों को लेकर आया था वो देखने में ही गरीब लग रहे थे। मशहूर ने सभी को गोलगप्पे खिलाए जिसके पैसे सूरज ने दिए। फिर सबके जाने के बाद, क्या बात है भाई, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अभी तो नहीं लगी, पर जल्दी लगने वाली है। क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता कि लॉटरी लगने वाली है तुम्हारी? क्योंकि निरंजन बाबा ने मुझसे ऐसा कहा है। वो बहुत ही बड़े सिद्ध बाबा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जितने लोगों का पेट भरूंगा वो भी बिना उनसे कुछ लिए, मेरी लॉटरी लगने के उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। तुम भी निरे उल्लू हो भाई, हैं? बाबा जी ने तुम्हें गरीबों को खाना खिलाकर कुछ भला काम करने को कहा होगा। जितने पैसे तुमने मेरे गोलगप्पे खिलाने में खर्च किए उतने में तो तुम पूरा भंडारा कर सकते थे। मैं जानता हूँ, पर मुझे इन लोगों को कुछ ऐसा खिलाना था जो इनके बस के बाहर हो। खाना तो कोई ना कोई इन्हें खिलाई देता होगा, पर तुम्हारे गोलगप्पे वो इनके नसीब में कहाँ से आते? और बाबा जी ने मुझसे यही तो कहा था कि जाकर किसी का नसीब बदलो, तो मैंने बदल दिया। अब देखना, मेरी लॉटरी जरूर लग जाएगी। मशहूर और सूरज बात कर ही रहे थे कि तभी सूरज का फोन बजने लगा। हेलो, हाँ भाई, क्या क्या तू सच बोल रहा है? सच में? वाह 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 भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तू वहीं रुक, मैं बस वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। अरे अरे, क्या हो गया, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी लॉटरी लग गई भाई, वो भी पूरे 10 लाख की। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, या बहुत शुक्रिया यार। सच में तुम्हारे गोलगप्पों की वजह से ये सब हो पाया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा और अगली बार और ज्यादा लोगों को लेकर आऊंगा, तुम तैयार है ना? इतना कहकर सूरज वहाँ से चला गया, लेकिन मशहूर को सोचने पर मजबूर कर गया। मेरे गोलगप्पे ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुफ्त में मेरे गोलगप्पे खिलाकर इस लड़के की किस्मत खुल सकती है तो फिर मेरी क्यों नहीं। हाँ, अब से मैं भी लोगों के नसीब बदलूंगा। अब वो नहीं बल्कि मैं खुद अपने गोलगप्पे लोगों को फ्री में खिलाऊंगा। अगले दिन मशहूर ने सबसे पहले अपने लिए एक लॉटरी का टिकट खरीदा और फिर उसके हाव भाव बिल्कुल ही बदल गए। साथ ही उसकी दुकान का बोर्ड भी अब गोलगप्पों की कीमत की जगह पर लिखा था बिल्कुल फ्री। मतलब वो सच में अब लोगों को मुफ्त में गोलगप्पे खिला रहा था। साहब, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी दुकान में खड़े होकर गोलगप्पे खा सकूंगा। भगवान आपका भला करे, आपकी खूब तरक्की हो, आप जो चाहो वो सब आपको मिले। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। मशहूर को पहली बार किसी ने ऐसा कुछ कहा था, मशहूर को बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब भी मशहूर के दिमाग में उसका खुद का फायदा पहले था। उस दिन अपने बनाए हुए सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिलाने के बाद वो फौरन लॉटरी ऑफिस पहुंचा। मशहूर चंद, हाँ मुबारक हो, आपको इनाम मिला है पूरे 10,000 का। क्या सिर्फ 10,000? पर पहला इनाम तो 10 लाख का था। हाँ तो वो पहला इनाम भी तो है, आपकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। शुक्र मनाइए कि 10,000 तो मिले। मशहूर इनाम के 10,000 लेकर अपने घर वापस आ गया। वो उदास था और नाराज भी। क्या हुआ जी, लॉटरी लगी क्या? लगी भी और नहीं भी, ये देखो 10,000 मिले हैं। अरे वाह, तो फिर आप उदास क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए ना?
अरे पर 10,000 से क्या होता है, इतने में तो 4-5 दिनों में अपनी दुकान से ही कमा लेता हूँ। उस लड़के को तो पहला इनाम मिला था, वो भी पूरे 10 लाख का, और उसने तो इतने कम गोलगप्पे खिलाए थे। मैंने तो अपने सारे गोलगप्पे मुफ्त में खिला दिए, फिर भी मुझे क्या मिला और उसे क्या मिला। ओफो, ये सब क्यों सोच रहे हो आप? आपने जितने भी गोलगप्पे मुफ्त में खिलाए उनकी लागत तो निकल गई ना, बोलो। हाँ, उससे तो ज्यादा ही हैं ये पैसे। तो फिर आपको नुकसान थोड़े ही हुआ है जो ऐसे मुंह लटका कर बैठे हो। 4-5 दिनों में जितना कमा पाते वो एक ही दिन में मिल गया, ये कम है क्या? मशहूर को अपनी पत्नी मोहिनी की बात ठीक लगी और उसने अपना इरादा और पक्का कर लिया। उसने आगे भी लोगों को फ्री गोलगप्पे खिलाना जारी रखा और हर रोज लॉटरी का टिकट खरीदना भी, कभी कम तो कभी ज्यादा, लेकिन हर रोज मशहूर का कुछ न कुछ इनाम जरूर निकलता था, जिससे मशहूर का हौसला और भी मजबूत होने लगा। इसके साथ ही मशहूर को अब ये सब करने में बहुत खुशी भी मिल रही थी। हर रोज लोगों के मुस्कुराते चेहरे उसकी दुकान से लौटते थे, उसके गोलगप्पे ना जाने कितने मायूस चेहरों की मुस्कान बन रहे थे। फिर एक दिन, अरे मशहूर भाई, ये क्या है, ये कमाल कब से हो गया? बस तुम्हारे जाने के बाद से ही। लेकिन माफ करना भाई, अब तुम फ्री में गोलगप्पे नहीं खिला पाओगे किसी को, क्योंकि ये काम अब मैं करता हूँ और लॉटरी भी मेरी ही लगती है। हाँ, तुम्हारे जितना बड़ा इनाम तो नहीं लगा अब तक, पर मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी वो कमाल भी हो ही जाएगा। मशहूर की बात सुनकर सूरज मुस्कुरा दिया और उसने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर मशहूर को दिया और उससे बोला, कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड रख लो, अब लॉटरी का टिकट जब भी खरीदना हो तो बस मुझे फोन कर देना, ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज के विजिटिंग कार्ड पर उसी लॉटरी ऑफिस का पता लिखा था जहां से मशहूर हर रोज लॉटरी की टिकट खरीदता था। असल में वो ऑफिस सूरज का ही था और उसी की वजह से हर रोज मशहूर का कोई न कोई इनाम जरूर निकल रहा था। कार्ड देखते ही मशहूर सारी बात समझ गया। उसने सूरज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि शायद मैं जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे ये एहसास कराने के लिए कि ज्यादा पैसे कमाने से जरूरी है दुआएं कमाना, लोगों को खुशियाँ बांटना, जो मेरे गोलगप्पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मशहूर ने कभी लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा, बल्कि वो फिर से अपने गोलगप्पे बेचने लगा। लेकिन उसके गोलगप्पों का दाम पहले से बहुत कम था, जिसकी वजह से अब हर कोई उसके स्वादिष्ट गोलगप्पों का मजा ले पा रहा था। अब भले ही मशहूर के गोलगप्पे थोड़े सस्ते थे, लेकिन ग्राहक पहले से कहीं ज्यादा थे, मतलब मुनाफा भी पहले से ज्यादा ही था। इसके साथ ही मशहूर ने फ्री गोलगप्पे खिलाना भी नहीं छोड़ा। आखिर के 10-20 गोलगप्पे वो जरूर गरीबों को मुफ्त में खिलाता था, क्योंकि अब उसे गोलगप्पों के साथ साथ